ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियों से परेशान ग्रामीणों ने भाजपा नेता ओंकार सिंह किरडोलिया के नेतृत्व में पुलिस को 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ओंकार सिंह ने बताया कि कचोलिया सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार चोरियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सार्वजनिक कुएं की केबल, ट्रक की बैटरी, मंदिर की घंटियां, झालर सहित प्रतिदिन मवेशियों की चोरी हो रही है। अब पुलिस ने तीनों के खिलाफ शिकायत लेकर जाँच शुरू कर दी है। गाँव में रात के समय में लगातार चोरियाँ बढ़ रही है। कुएं की केबलें ले गए, ट्रांसफार्मर ले गए, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ट्रक उसकी बैटरियां ले गए और देवरी में एक गरीब आदमी गुजर है, उसके घर में सोना चांदी ले गए और बकरियां तो रोज गांव में बकरियां रही तो चोरी हो रही है। गांव वाले गरीब आदमी बहुत परेशान है और चोरों ने आतंक मचा रखा। संयुक्त नर्सेस समिति के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में अब नर्सिंग कर्मियों ने आरपार की लड़ाई का ऐलान करते हुए राज्य सरकार को खुली चुनौती देते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी। इसको लेकर आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों ने अधीक्षक का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मियों ने पहले ही 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की सूचना सरकार और स्थानीय प्रशासन को दे दी थी। इसके बाद भी सभी खंड और उपखंड अधिकारियों को एक आदेश जारी कर संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर फैकल्टी लगाने का आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन 24 घंटे में ही वैकल्पिक व्यवस्था का यह आदेश निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है। वहीं एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गुंजन सोनी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की टीम मिलकर कोशिश कर रही है कि जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था शुरू हो सके ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रदेश स्तर पर जो आह्वान दिया गया था धरना प्रदर्शन का, जन आक्रोशन का, जो कि आज 38वां दिन है, उस उपलक्ष में आज हमने पीबीएम गेट मीटिंग की और गेट मीटिंग के दौरान हमारे कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे आंदोलन कुचलने की कोशिश करी तो उसको देखते हुए तो हमारे बीकानेर जिले की समस्त नर्सेज, ग्रामीण की लगभग 600 नर्सेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की 75 नर्सेज और पीबीएम की 1150 नर्सेज ने मास्क लेकर आज हमने सुपरिटेंडेंट माननीय सीएमएचओ अवरार जी को और प्रिंसिपल को हमने ज्ञापन दिया कि हम मास्क लेकर चेकपुर कूच करेंगे। बूंदी नगर परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में आने वाले कजरी तीज महोत्सव को लेकर आयोजित की गई, जिसमें कजरी तीज मेला विकास समिति नहीं बनने को लेकर भाजपा के पास और नेता प्रतिपक्ष द्वारा जमकर नगर परिषद के सभापति को घेरा गया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद सभापति ने पूरे मामले को निराधार बताते हुए कहा कि कजरी तीज मेला 70 लाख के बजट से इस बार आयोजित किया जाएगा। मीटिंग जो कजरी तीज मेला का जो रखा था भाई, पिछले बार भी 70 लाख रुपए का खर्चा था, इस बार भी 70 लाख होने के कारण बोर्ड मीटिंग तो रखनी पड़ती। तो उसका प्रस्ताव लिया और सब हमारे जो पार्षद आए उन्होंने उसको सहमति दी। जो और 2-4 नहीं दी होगी वो बात अलग है, बाकी सबने सहमति दी है। नहीं तो पूरे आप पता है किस सहमति चाहिए, उससे ज़्यादा सहमति चाहिए। आबूरोड में एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर चलाया जा रहा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर आबूरोड रिको पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहे ट्रक से अवैध शराब पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मावल चौकी पर रिको पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां राजस्थान से गुजरात जा रहे आयसर ट्रक से भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। वहीं पुलिस ने गुजरात के सुरेंद्रनगर निवासी नरेश सैन को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी गहनता से जाँच कर रही है। पुरानी पेंशन योजना को बिना शर्त बहाली की मांग को लेकर चारों विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं, जिसके चलते आज वेटरनरी महाविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना के धारकों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ के सशर्त देने के लिए सरकार की नीति उचित नहीं है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जमा करवा पाए। कर्मचारियों की यह मांग है कि यह पैसे सरकार जमा कराए। नारायणपुर के सरकारी अस्पताल में महिला नर्स पर प्रसव कराने के नाम पर 4500 रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने नारायणपुर सीएससी प्रभारी, एसडीएम और सीएमएचओ अलवर को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि आज सुबह मेरी पुत्रवधी को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जिसमें 12 बजे नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची हुई थी। इसी दौरान डिलीवरी के बाद हमें डरा धमका कर महिला नर्स ने 4500 रुपए ले लिए। वहीं इस मामले में सीएससी प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने कहा कि डिलीवरी करवाने आई महिला के परिजनों ने नर्स की ओर से पैसे लेने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह 11 बजे के टाइम था, यहाँ लेके आया हॉस्टल में, मुझको एक डिलीवरी है कद हो जाएगी। उन्हें अंदर ले गया, अंदर देख के ना बताया कि तो पहला बच्चा हुआ है जो ऑपरेशन से हुआ है, इसका तो 4500 रुपये लगेंगे। मुझे 4000 रुपये देंगे, मैं मान डिलीवरी करानी थी, 4000 रुपये देंगे। तुमने डिलीवरी करा दी, डिलीवरी कराने के 12:54 में बोला कि बच्ची होगी उसी से, कोई अच्छी बात है। मैंने मिठाई डब्बा बांट दिया है, फिर 10 मिनट बाद में लो पैसे दो, मैडम आई मेरे पास, पैसे मांग लिए,
उसने 4,000 रुपये दे दिया, अंदर अंदर लिया, बाहर किसी को हवलदार नहीं करना है, अंदर पैसे दिए उसने। फिर मैंने मानी कि 500 रुपये और ले गया, मेरी नाम 500 और दिया इसने, ऐसे 4,500 रुपये दिया है। आज देखो पीड़ित के द्वारा रिटर्न में शिकायत दी गई है कि डिलीवरी में मेरे से पैसे लिए गए हैं। उस संदर्भ में मैंने तत्काल जो दो डॉक्टर्स की, दो नर्सिंग स्टाफ की और एक हमारे सीनियर लैब वालों की टीम, 5 सदस्यों की टीम में करके पीड़ित पक्ष के भी बयान लेके, संबंधित के बयान लेके और तत्काल फैक्चुअल रिपोर्ट उनसे मंगवा के और अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। डूंगरपुर के चित्री थाना पुलिस ने नकली पिस्टल से फायर कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों पर अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चित्री थाना अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गरियाता के एक युवक को सोशल मीडिया आईडी पर नकली पिस्टल के साथ फायर करने के वीडियो अपलोड किए मिले। इन पर पुलिस ने गरियाता निवासी विकास सुथार को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला डूंगरपुर के द्वारा सोशल मीडिया पर आम लोगों द्वारा वीडियो अपलोड करना एवं लोगों में भय पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय निरंजन चारण एवं वृत्ताधिकारी श्री विक्रम सिंह व्रत सागवाड़ा के निर्देशानुसार मन SHO द्वारा टीम गठित की जाकर मौजा गरियता में विकास सुथार द्वारा इंस्टाग्राम ID बनाकर पिस्टल से फायर करते हुए वीडियो अपलोड करने पर उसको लाकर थाने पर पूछताछ की गई। कोटा की बचपन बचाओ आंदोलन की टीम द्वारा 5 नाबालिग बच्चों को बाल तस्करी से मुक्त करवाया गया है। 5 नाबालिग बच्चों को बिहार से गुजरात में मछली पकड़ने और कंपनी में काम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। इसके लिए बालकों के खातों में पहले से एडवांस राशि भी डाली गई थी। बाल कल्याण समिति, बचपन बचाओ आंदोलन की टीम और GRP की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया है। आज बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से रेखा जी, दिलशाद जी और GRP निरीक्षक सोनी, RPF निरीक्षक चंदेव जी, DCP संजय जी, इस संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम हेतु तस्करी कर ले जाए जा रहे बच्चों, 5 बालकों को बिहार के 5 बालकों को रेस्क्यू किया गया, जिनको बाल कल्याण समिति के सदस्य बाबूलाल जी मेहरा के समक्ष पेश किया गया। वहाँ से उनको क्षेत्र की कार्रवाई की। मैं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रहा। श्रीगंगानगर में बाइक से आए 2 युवकों ने रिक्शा चालक के रिक्शा से तेल का कार्टून उठाकर लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर कोतवाली SI सुजीत सिंह पहुंचे और युवकों के पास से तेल के कार्टून को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी युवकों को जवाहरनगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। एक व्यक्ति ने इस रिक्शे वाले के कार्टून उठाया। मैं मोटरसाइकिल पे पीछे आ रहा था, दूसरा मोटरसाइकिल वाला तैयार था, वो कार्टून लेकर के उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठ गया। मैंने देखा, मैंने रिक्शे वाले से पूछा, भाई तेरा कार्टून लेके जा रहे हैं, कहता पकड़ो चोर चोर चोर, भाई मेरे 2 ही रह गए, ये पीछे भागा। मैं मोटरसाइकिल पे था, मैं उनके पीछे भागा। भागते भागते मैंने बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल भगाया, लोगों को फोन बताया चोर चोर चोर, और आकर के यहाँ पे पब्लिक ने आगे से उनको घेर लिया और यहाँ पे उनको पकड़ लिया बीरबल चौक पे। पकड़ने के बाद उनको थाने में बुला करके कोतवाली थाने के सुपुर्द कर दिया। कार्टून उनसे बरामद हो गया। 2 जने मोटरसाइकिल पे थे, 2 जने थे। कोटा में 2 हॉस्टलों पर जुर्माना लगाया गया है। कोटा शहर में पिछले कुछ दिनों से 196 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिनमें शहर में तलवंडी इलाके में सबसे अधिक डेंगू के रोगी नजर आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि कोटा शहर में डेंगू के केस सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। इसके चलते चिकित्सा विभाग के द्वारा हर इलाके का सर्वे कर रही है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल संचार द्वारा 2 हॉस्टलों पर सफाई नहीं करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। CMHO डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि पूरे शहर में चिकित्सा विभाग की टीम स्प्रे द्वारा छिड़काव कर रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील किया है, घर में पुराने कबाड़ में जमा पानी को खाली कर दें और सफाई करें। कोटपुतले में सुने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया, लाखों की नकदी सहित आभूषण किए पार। दरअसल घर पर कोई भी नहीं होने के कारण अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3,25,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए का आभूषण चुरा लिए। सूचना पर पहुंची कोटपुतली थाना पुलिस ने CCTV फुटेज भी खंगाले हैं। कल शाम को मैं यहाँ के गई, पानी का टंकी भर के और यहाँ से ताला लगा के मैं चली गई। गाड़ी खरीदी मैंने 10 टेरा घोड़ा, जब 3,00,000 रुपया लेकर अलमारी में दरगी और मेरे काना की जो उमकी पैर रही थी वो भी मेरी डांट टूट गई, जो उनने भी मलबारी में रख गई थी। वहाँ का गहना सा 2 चैन, 3 जोड़ी जो उमकी और 3,25,000 रुपया सा। अब मैं शाम ने चली गई, ताला थोड़ा बंद करके मैंने सुबह सूचना लागी आज तार चोरी होगी।
मानसून में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिजली पानी की समस्या, राजस्थान में आए दिन हो रही फायरिंग, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं पूर्व मंत्री शर्मा ने बताया कि रैली के माध्यम से प्रदेश की सरकार का विरोध किया गया और स्थानीय विधायक के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित कर जन आंदोलन किया गया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।